नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करें तो जरूरी नहीं कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर आए, सबसे ऊपर दिखे। टॉप पर वो प्रोडक्ट दिखता है जो टेक कंपनी चाहती है। जी हाँ, भले ही वो प्रोडक्ट दोयम दर्जे का ही क्यों ना हो, लेकिन सर्च में अगर ऊपर आ रहा है तो माना यही जाता है कि साहब यही सबसे ज्यादा डिमांड में है, यही सबसे बेस्ट है और यही आपके लिए सबसे मुफीद है। इस डिस्प्ले पैटर्न के लिए कंपनियां एल्गोरिथम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं, उसको जिम्मेदार बताती हैं। लेकिन अब सरकार एल्गोरिथम सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली और पारदर्शी बनाने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए घरेलू टेक कंपनियों के साथ बैठक भी की है, उनकी राय भी जानने की कोशिश की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर एल्गोरिथम इंटेलिजेंस क्या है, कंपनियां कैसे इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और क्या वाकई में एक स्वस्थ कॉम्पिटिशन के लिए एल्गोरिथम का ये जो छुपा हुआ गेम है ये क्या सही है। क्या सरकार के रेगुलेशन से बिग टेक कंपनीज की मनमानी रुक पाएगी, चर्चा होगी बहुत खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। Amazon, Flipkart हो, Make My Trip, Zomato, Just Dial हो या फिर Google, Facebook या Twitter, ये सभी ऐसे ऐप हैं जिनका पूरा सिस्टम नहीं कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। सर्च इंजन के एल्गोरिथम इंटेलिजेंस सिस्टम का काम होता है कि वो आपकी सोच को मशीनीकरण में बदल कर फैसला लेता है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की कमांड कंपनियों के ही हाथों में होती है। बड़ी टेक कंपनियों के टेक्निकल स्टाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पैटर्न को अपने कारोबारी फायदे के हिसाब से डिजाइन करते हैं। वो जैसा चाहते हैं AI वैसा ही परिणाम आपके सामने रखता है। लेकिन सरकार अब बड़ी टेक कंपनियों की इस मनमानी पर लगाम कसने जा रही है ताकि टेक कंपनियां अपने फायदे के लिए कंज्यूमर्स के हितों से खिलवाड़ न कर सकें। सरकार इंटरनेट को रेगुलेट करेगी और इंटरमीडियरीज की जवाबदेही तय करेगी, यानी देसी विदेशी सभी टेक कंपनियों को देश के कानून के दायरे में काम करना होगा। चलिए आपको बताते हैं टेक कंपनियां कैसे कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैसाखी बनाकर मनमानी करती हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐप पर होटल तलाश रहे हैं, आपकी रेंज 5000 की है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर वो विकल्प होगा जिसकी सर्विस भले ही बेहतर ना हो लेकिन कीमत ऊंची होगी, जबकि इसी कीमत पर अच्छी सर्विस वाला होटल सबसे नीचे डिस्प्ले होता है। कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है। सर्चिंग पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है तो सबसे ऊपर सबसे बेहतर ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कंपनियां पैसे लेकर दोयम दर्जे के प्रोडक्ट या सर्विस को ट्रेंड कराती हैं। इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर नामचीन लोगों के नाम से फेक अकाउंट को लेकर भी है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब कुछ हो रहा होता है तो एक ही नाम के दो अकाउंट कैसे बन जाते हैं। इन मामलों की शिकायत पर एक्शन नहीं होता, अगर होता भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल तो सरकार ने इनकी मनमानी रोकने के लिए पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, गेमिंग फेडरेशन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ बैठक की है, जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ देश के कानून के दायरे में काम करने को लेकर बात हुई। सरकार ने इन कंपनियों से डिजिटल मार्केट रेगुलेशन को मजबूत बनाने को लेकर भी राय मांगी है। साथ ही इन कंपनियों को अपने AI पैटर्न को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया है ताकि कंज्यूमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर खुद को ठगा महसूस ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपका करा दें आज के मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल मैम, जानी मानी कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अंकुश सभरवाल, जो कि एल्गोरिथम इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश, मैं सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं इस पूरे मामले की स्टडी कर रहा था तो मैं कई मोर्चों पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये होता क्या है। दरअसल अगर सर्च में कुछ चीज़ मेरे को पहले दिख रही है या कोई चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट दिख रही है तो क्या वो सच में
ईमानदारी से हो रहा है या एल्गोरिदम में कुछ छेड़छाड़ करके वही दिखाया जा रहा है जो पहले से तय है? जैसे दीपक, मैं पहले बताता हूं कि जब हम, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है अंकुश। अच्छा दीपक, जैसे जैसे ही यूजर सर्च करता है राइट, तो जो भी सर्च रिजल्ट जो भी एग्रीगेटर वेबसाइट्स में आते हैं तो वहां पे जनरली बाय डिफॉल्ट पॉपुलरिटी वाला फील्ड सिलेक्टेड रहता है या रेलिवेंस वाला राइट। यूजर अगर अवेयर है तो मुझे नहीं लगता कि कंपनीज कुछ गलत कर सकती हैं। यूजर के पास ऑप्शन है वो जो अगर प्राइस से सॉर्ट करे या रिव्यू से सॉर्ट करे, लेकिन जनरली कंपनीज उसको पॉपुलरिटी का एक टैग देती हैं या रेलिवेंस का टैग देती हैं। अब उस सॉर्टिंग का एल्गोरिथम क्या है वो हमें नहीं पता राइट। तो कंपनीज कुछ भी कर सकती हैं लेकिन फॉर श्योर वो एल्गोरिदम से ही आ रहा है। उसको मैं एआई नहीं बोलूंगा, उसको एल्गोरिदम से रिजल्ट जो है वो ड्राइव होते हैं। अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है तो आई थिंक इट्स वेरी बोल्ड डेयरिंग एंड इंटेलिजेंट स्टेप। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है आप बंद कर दो, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो भी एल्गोरिदम है जिससे आप सॉर्टिंग कर रहे हो उसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करो ताकि यूजर उसका इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि यूजर शुड गो फॉर द सॉर्टिंग वट एवर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी और सॉर्टिंग बेस्ड ऑन प्राइसिंग या रेटिंग या बाकी पैरामीटर्स वो तो है ही है, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो एल्गोरिथम कंपनी का क्या है। तो वो कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट करेगी तो वी शुड बी अवेयर कि जो डिफॉल्ट है। अब आप अंकुश जो कह रहे हो कि वो जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट एक्चुअल में एआई नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वो तो वो एल्गोरिथम है जो पहले से सेट है और वो पैटर्न पहले से सेट किए गए हैं, उनको बताया गया कि उनका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये मैनिपुलेटेड है। अंकुश मेरी बात आप सुन पाए? आवाज ब्रेक हो रही है लेकिन हाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन आपका समझ गया। यस, जो पैटर्न है वो ऑलरेडी सेट है। वो एल्गोरिथम क्या है, कौन सी कंपनीज ऊपर आनी चाहिए कौन सी नीचे, वो जनरली कंपनीज रिवील नहीं करते। अगर पॉपुलरिटी का नाम दिया गया है तो वो पॉपुलरिटी कैसे पता चली? या तो हो सकता है कि जो मैक्सिमम रिव्यूज मिले वैसा भी नहीं है, या अच्छे रिव्यूज मिले वैसा भी नहीं है। तो वो एल्गोरिथम क्या है वो जनरली कंपनी खुद सेट करती है और उसमें मैनुअली और सिस्टमिक इंटरवेंशन दोनों ही हो सकती हैं। तो वो ग्रे एरिया है विच आई थिंक गवर्नमेंट इज रिवीलिंग दैट एग्जैक्टली। और आज का जो हमने चर्चा रखी है वो भी यही है। देखिए सरकार अब यही कह रही है कि अब आप एल्गोरिथम की आड़ में कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं चलेगा, एल्गोरिथम को आप सार्वजनिक कीजिए और ये जो हमारे डिजिटल सिटीजन्स हैं उनका ये अधिकार है ये जानना कि वो एल्गोरिथम के चक्कर में हो क्या रहा है। और अब सरकार ने ये जो पेंच है ये पकड़ लिया है और अब इसीलिए अब इस पेंच को कसा जा रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। डॉक्टर माली, अब क्या हम ये समझ पाएं, अब अगर ये रूल्स आते हैं जो कि हमें बताया जा रहा है हमारे संवाददाताओं के जरिए कि बहुत जल्दी इसके बारे में सख्त रूल्स आ जाएंगे और एल्गोरिथम की आड़ में अब कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी, तो क्या अब माना जाए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बिल्कुल साफ दूध का दूध पानी का पानी? देखिए जो राइट टू इक्वालिटी है जो हमें हमारे संविधान ने दिया हुआ है उसमें सभी ग्राहकों को या सभी जो नेटिजन्स हैं उनको एक ही तरीके की स्क्रीन दिखना लाजमी है और एक ही तरीके का रेट आना लाजमी है। अब की बार क्या हो रहा है कि अगर आप एक विशिष्ट फोन से, अगर आप एप्पल से जाते हो और आपका ब्राउजर सफारी है तो आपको एक अलग रेट दिखता है, अगर आप कोई एंड्रॉइड का सस्ते वाले फोन से आप अगर कोई वेबसाइट या ऐप एक्सेस करते हो तो आपको उसी प्रोडक्ट का एक अलग रेट दिखता है, आपके डिस्काउंट्स कम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है ये राइट टू इक्वालिटी को पूरी तरह से भंग करने वाला चीज है। इसको जब हम जो, और एआई का एक बायस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बायस होता है, अगर उस जब एआई को सिखाया जाता है चीजें सिखाई जाती है, अगर आप उसको गलत तरीके से सिखाते हो या आप उसमें बायस रख के सिखाते हो एक तरीके का कि इस समाज के तबके के लिए
ऐसे सोचा जाए, इस समाज के तबके के लिए ऐसे सोचा जाए, तो फिर वहां बायस क्रिएट होता है और इक्वालिटी चली जाती है। जो सरकार अभी लेने लाने जा रही है वो कई साल पहले लाना चाहिए था, लेकिन अभी सही आए दुरुस्त आए हुआ है, ताकि क्या होगा कि जो ये कंपनियों की मनमानी, जो ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी है कि कहाँ सस्ता बेचना है, कहाँ महंगा बेचना है, कितना बेचना है, क्योंकि कई बार आपको एक ही प्रोडक्ट दिखेगा लेकिन दूसरे को पांच प्रोडक्ट दिखते होते हैं कि पांच हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, तो ये सारी चीज जो लोगों के बीच में जो सही से नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से ये जो रूल्स लाने से इंटरमीडिएटरी रूल्स, बिकॉज ये सारे इंटरमीडिएटरी है, ये अपना प्रोडक्ट तो बेच रहे नहीं, किसी और का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म से ग्राहक को बेच रही है, उसी को बड़ा चढ़ाकर आगे पीछे करके बेचती है, तो उसके लिए रूल्स आना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। रूल्स आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम में काफी सारा सहूलत ग्राहक को देखने को मिलेगी जब ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो। बिल्कुल, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई और मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया इस पे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया है कि अलग अलग जगह पर अगर आपके पास एप्पल का फोन है या एंड्रॉयड है तो उसमें रेट्स अलग अलग हैं, प्रोडक्ट वही है सेम लेकिन रेट्स अलग अलग हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी आपकी प्रोफाइलिंग की जा रही है कि अगर एप्पल का इस्तेमाल हो रहा है तो भाई कौन कर रहा होगा तो उसके लिए कैसे रेट देने, अगर वो दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे करना है, तो ये सारा का सारा कुल मिला के आपके बारे में सब कुछ पहले से तय है। आप जो सोच रहे हैं कि मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को सर्च इंजन में दिख गया, मेरे को मेरे सजेशंस में आ रहा है, सब ये सब तय है, ये पहले से निर्धारित है कि आपको क्या दिखाना है और आपको कहाँ लेके जाना है, किस होटल में अंततो गत्तो आपको दिमाग घुमा के कहाँ रुकवाना है, ये भी तय है। और आप सोचते हैं कि हमने तो साहब अभी अभी सर्च किया तो हमें ये बेस्ट लगा, आपको ये आभास होता है कि ये तो मैंने सर्च किया, ये तो मेरी खोज है, ये तो मैंने अपने लिए बेस्ट चीज़ ढूंढ निकाली, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली आपके लिए क्या होगा वो पहले से तय है और इसी पर अब सरकार की टेढ़ी नज़र है। अब रेखा मैम, इससे हो क्या रहा है, ये तो बात ग्राहकों की हो गई, इससे जो जो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो कंपनीज भी हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनीज आज सरकार के पास भी गई हैं, भाई उनका भी तो नुकसान हो रहा है, कंपटीशन की भावना वहाँ भी तो तार तार हो रही है। अब किसी कंपनी के खिलाफ माना मैं कोई वायरल चीज़ करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसकी उन रेटिंग्स को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, मैं उसका कॉम्पिटिटर हूँ, कि जो नेगेटिव रेटिंग्स हैं तो मैं तो पैसा दे के करवा दूंगा, तो ये तो कंपटीशन की भावना को भी तार तार कर रहा है, तो इसलिए ये रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं ताकि कारोबार और उपभोक्ता दोनों के अधिकार संरक्षित रहे। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसी की वजह से मार्केट है, और मार्केट है तो कंज्यूमर है, अगर मार्केट ही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर कहाँ से कोई चीज़ खरीदेगा, और कंज्यूमर नहीं होगा तो मार्केटिंग जो हो रही है, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, व्यापार कैसे चलेगा, तो दोनों को सरकार को प्रोटेक्ट करके रखना है। हाँ, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले जो संरक्षण है उपभोक्ता का ही करना है, बिकॉज कंज्यूमर इज किंग, तो पारदर्शिता जो है वो व्यापार के अंदर होनी चाहिए, पर व्यापार और मुनाफा कमाने की होड़ के अंदर आप या तो उपभोक्ता को बेवकूफ बनाएं या आप ये जो सरोगेट मार्केटिंग करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एल्गोरिथम्स के जो थ्रू हो रही है, ये आखिर में क्या है, इसको मैं अगर दूसरा शब्द में इस्तेमाल करूं तो ये सरोगेट मार्केटिंग है। ये जो आपके दूसरे स्पीकर ने भी कहा कि बायस माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं, यानी कि ये इतनी पारदर्शिता या इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है या इतनी ऑटोमेटिक नहीं है जितना हमें प्रतीत होता है। हम जैसे आपने अभी कहा कि सर्च इंजन में जाते हैं और हमको लगता है अरे वाह ये तो एक जादू हो गया कि मेरे मन में क्या था, मैंने जैसे कोई होटल के बारे में ढूंढने की कोशिश करी थी और एकदम से ये इसके अंदर आ गया, हमको लगता है कि ये जादू है, ये मिरेकल है, परंतु ये ना जादू है ना मिरेकल है, चमत्कार नहीं है, ये सब कुछ उसमें फीड किया गया है, ये किसी के कहे के ऊपर फीड किया गया, मतलब किसी ना किसी का कहीं पर मुनाफा जरूर है, किसी ना किसी कंपनी का मुनाफा जरूर है जो इस तरह का डेटा उसके अंदर फीड करते हैं। अभी आपने उदाहरण दिया कि आप जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइलिंग भी की जाती है, उसकी आर्थिक हैसियत देखी जाती है, उसकी सोशल स्टैंडिंग देखी जाती है, उसी के मुताबिक जो है ये AI जो है काम करती है, तो मैं कहूंगी कि AI का फायदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि AI जो है वो बिल्कुल नेगेटिव मकसद के साथ बनी हुई है या वो सिर्फ कस्टमर्स को गुमराह करती है, परंतु इसके ऊपर लगाम खींची जानी चाहिए, और जब भी कोई भी चीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी के अंदर आ जाती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसके ऊपर लगाम लगाने का पावर रखता है, CCPA जो है जो सरकार ने बनाई है पिछले साल उसके अंदर भी पावर है, तो सरकार को ये जिसको मैं कह रही हूँ इसके अंदर सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, एक तरफ कस्टमर, एक तरफ
मैन्युफैक्चरर है, व्यापारी है, जी, साथ जी. साथ ये जो कंपटीशन की भाग रही, जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव तरीके से अगर आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी ने आपको पैसा दिया, जिसको कहते हैं कि पेड, ये सारी क्या है, ये पेड एडवर्टाइजिंग है एक तरीके से. हम इसको भले कहे कि सर्च इंजन के अंदर अपने आप आ गई, पर ये पेड एडवर्टाइजिंग है, ये विज्ञापन दिया जाता है, एक तरह से विज्ञापन है, जिसको हम कहते हैं सरोगेट मार्केटिंग. जी हाँ. इसका टेक्निकल वर्ड हम लोग कहते हैं सरोगेट मार्केटिंग. तो ये सरोगेट मार्केटिंग करी जा रही है, किसी ने पैसा ज्यादा दिया इसलिए आपने उसका नाम. बिल्कुल, इसीलिए तो सरकार ने आज इंडस्ट्री को भी बुलाया है, कंज्यूमर की बात भी सुनी है, इसीलिए बुलाया कि ताकि सबका सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके इन ठोस नियमों को लाया जाए. और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी मेरे ख्याल से हफ्ता डेढ़ हफ्ता के अंदर ये नए रूल्स आ भी जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद काफ़ी पारदर्शिता आ जाएगी. अच्छा अंकुश, अगेन ये एल्गोरिथम का जो पूरा का पूरा गेम है, अब क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी अपनी एल्गोरिथम को सार्वजनिक कर दे, और कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या? और अगर वो एल्गोरिथम को सार्वजनिक कर देते हैं तो उसमें क्या कोई नुकसान हो जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स को या बिग टेक कंपनीज को? पॉसिबिलिटी तो है, मतलब एल्गोरिथम, हम शायद गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि आप पूरा कोड आप रिवील करो, क्योंकि कोड में आईपी रहता है, लेकिन आप एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश रूल्स आप रिवील कर सकते हो. पॉसिबिलिटी भी है और नुकसान मुझे नहीं लगता. हाँ, जैसे अगर आप जैसे कुछ कंपनीज का नाम जैसे आपने लिया, तो उसमें अगर सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उसमें प्रमोशन भी रहता है, उसमें लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड या प्रमोटेड, राइट? तो वो यूजर को पता चलता है. तो कंपनीज के पास वो प्रोविजंस तो हैं कि वो अगर जिससे पैसा ले रहे हैं उसको सर्च रिजल्ट में ऊपर लाएं या बीच में लाएं, लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड ना बताते हुए अगर यूजर को बताना है तो वो थोड़ा गलत भी है. मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनीज वो कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो शायद उनको नुकसान होगा. तो बट ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड प्रैक्टिस टू डू. तो जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे वो मैम भी बात कर रहे थे कि हाँ बोलिए. yes. बोलिए जी, बोलिए. हाँ, तो जैसे AI है, तो ऐसा नहीं है कि ये AI या एल्गोरिथम बेस्ड अगर हम सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसको नेगेटिव की ओर ही यूज करेंगे. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके काफ़ी हैं. जैसे हम जैसे अगर वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें, AI बेस्ड, हम जैसे ट्रेन टिकट बुक करते हैं, मुझे बैंगलोर से दिल्ली कल राजधानी में जाना है, राइट? तो अगर बंदा दिल्ली पहुंच जाता है तो हम उसको बोलते हैं वहां पे गर्मी है, मुझे पता है कि आप दिल्ली में 10 दिन रुके हो, क्या आप मैसूरी जाना चाहते हो क्या, राइट? इसमें भी जो सिस्टम है यूजर को ट्रैक कर रहा है, राइट? तो यूजर की प्रेफरेंस काफी तरह से पता चलती है. एक कि वो कहाँ पे है, जैसे आपने बोला कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, और उसके फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं, और काफी चीजें उसने पहले क्या सर्च किया है, और काफी पैरामीटर से एक डिसीजन लिया जाता है. तो ये यूजर के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए भी एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं. तो दोनों चीजें मुझे लगता है रिवील करनी चाहिए कंपनीज को, तो पॉसिबिलिटी तो है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, एल्गोरिथम हो, AI हो, कोई भी तकनीक हो, अगर वो इंसान की सहूलियत के लिए लाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है. हम में से तो कोई भी इस बात से दो राय रखता ही नहीं है कि AI और इंटरनेट और ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसान वाली हैं. लेकिन हाँ, कुछ भी चीज़ हो वो अनअकाउंटेबल नहीं हो सकती, और उसकी वजह से अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन की भावना को आहत पहुँच रही है, जो एंड यूजर है उसके हितों को कुठाराघात हो रहा है, तो फिर उस पर सवाल उठने स्वाभाविक भी हैं, और सरकार इसी ओर कदम बढ़ा रही है. लेकिन डॉक्टर माली, अब जैसे नए IT रूल्स में बार बार यही कहा जा रहा है कि साहब, अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, तो फिर बिग टेक कंपनियां कहती हैं कि साहब हम कैसे बताते हैं, तो निजता का हनन हो गया साहब. फिर हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप फर्स्ट ओरिजिनेटर मत बताइए, लेकिन ये समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, ये पोस्ट या जो भी है इसको आप हटा दीजिए. तो फिर आप बोलते हैं हम ये तो हम करते ही नहीं है, ये तो AI कर रहा है, ये तो एल्गोरिथम कर रहा है. तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये साफ तौर पर बताता है कि आपको अब दायरे में आना पड़ेगा, और इसी ओर सरकार का अब रुख भी दिखाई दे रहा है. मुझे तो लगता है कि ये दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, दायरा यहाँ तक बढ़ाना चाहिए. जो आप पोस्ट की जिक्र कर रहे थे, फेसबुक है जो जिसके पास इतने मिलियन यूजर्स इंडिया में है, उसका जो AI है वो अभी तक सिर्फ 7 भाषाओं को ही पहचान सकता है.
अगर इन सात भाषाओं के व्यतिरिक्त अगर आप कुछ लिखते हैं और उस भाषा में अपने गाली गलौज लिख दी, ऐसा कुछ लिख दिया कि समाज में वैमनस्य होगा, तो उसका जो AI है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो AI ने कितने लैंग्वेजेस को डिकोड करना चाहिए इतने तक डिटेल्स हमको बताना जरूरी है। हमारी जो फेस्टिवल्स है या हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो वेस्टर्न कल्चर से पूरी तरह से डिफर करते हैं, उसको AI अपने आप में कैसे समावित करे, ये रूल्स में लाना जरूरी है। हमारा जो कल्चरल बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, जो हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसकी जो उसको शामिल करना AI के अंदर वो जरूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स पे कोई सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं लग रहा, तो उसमें क्या दिखे क्या नहीं दिखे, कौन से प्रोडक्ट बिके नहीं बिके, AI क्या बताए क्या नहीं बताए, इसके लिए रूल्स लाना और वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कंप्लाई करने से बहुत जरूरी हो गया। AI पे एक कमीशन गठित करके उसके जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसको इंप्लीमेंट करना आज भारत वर्ष में बहुत जरूरी हो गया। बिल्कुल। और एक और मसला है कि टैक्सेशन के दायरे में, अगर आपने बोला कि साहब आप बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, सब विदेशी हैं, वो यहाँ से एड रेवेन्यू कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। आप कुछ मामलों में टैक्स दे रहे हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट का दर्जा होने से आपको वो टैक्सेशन में भी बहुत तरह की छूटें मिलती हैं। तो अब ये आ रहा है जो नए रूल्स आने वाले हैं उसमें अगर आपने कहीं गड़बड़ देखी और आप पाए गए तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट का दर्जा भी छिन जाए। तो ये रेखा मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, कम से कम एक थ्रेट रहेगा, एक भय रहेगा, आप कुछ भी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर स्टेप के ऊपर ना हर कदम के ऊपर आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। सरकार का मकसद क्या है कि व्यापार चले, मुनाफा कमाए व्यापारी और कस्टमर जो है उसको अपना जो है वैल्यू फॉर मनी मिले, पर उस होड़ के अंदर उसका जो बैलेंस बनाना है कि जो इंटरमीडियरीज हैं जो इनका अभी तक में कहीं पर भी जैसे कहते हैं कि उनका कहीं पर नाम ही नहीं आता था और वो एक गुमनाम होने के कारण उनके एक आइडेंटिटी क्योंकि नहीं पता चलती थी इसलिए इंटरमीडियरीज जो हैं वो बहुत आराम से बाहर निकल जाते थे। सरकार उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकती थी कि साहब आपने ये गलती करी या आपको ये ऐसे करना चाहिए था, आपके काम के अंदर ये कमी रह गई, ये यहाँ पर आपने ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करी या आपने एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन पे नाम के आपने ये कुरीति को अपनाया। तो जब ये सरकार के जो रूल्स बन जाते हैं तो मुझे जो लगता है कि इसको हमें बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए। AI के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स उसको नकार नहीं सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। पर AI को ही जो है सब कुछ नहीं, जैसे वो कहते हैं कि नहीं बना सकते और हमको एक बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, जवाबदेही जो वो हर क्षेत्र के ऊपर हर स्टेप के ऊपर होनी पड़ेगी। बिल्कुल, कारोबारी माहौल भी बना रहे, कॉम्पिटिशन भी सही रहे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ये कारोबारियों की नजर से, और जो एंड यूजर है जो उपभोक्ता है और जो डिजिटल सिटीजन है हमारे उनके अधिकार भी सुरक्षित रहे, इसके लिए अब सरकार ने ये कोशिशें की हैं और सारे स्टेक से बात की है, सबको बुलाया, बिग टेक कंपनियों को भी बुलाया था, अब हमारी जो हिंदुस्तानी कंपनियां उनसे भी बात कर ली है, सबसे बात कर ली है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अब जो रूल्स लेकर आएगी वो इस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का शो पर आने के लिए। डॉक्टर माली थैंक यू सो मच, अग्रवाल मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, अंकुश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला आपने।